शिव शंभू के कृपा से हमें दो दो होनहार दामाद मिले हैं। रस्म के मुताबिक बड़े दामाद को आशीर्वाद अभी दिया जाएगा। रुको, क्या कर रही हो? सब शगुन दे रहे थे तो मैंने सोचा। एक्सक्यूज मी, किस बात का शगुन? पर तुम होती कौन मेरे दामाद को शगुन देने वाली? पीछे लाइन से राधा और बाकी सर्वेंट भी खड़े हैं। जाओ, जाकर उनके पास खड़ी हो जाओ। ये जबरदस्ती का नाटक क्यों शुरू कर दिया तुमने? कमाल है, इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। उर्वशी, तुम शगुन दे भी रही हो तो सिर्फ 51 रुपए, और वो भी लिफाफे के बिना। क्या कर रही हो तुम? भाभी जी, ज्यादा नहीं है मगर दिल से दे रही हूँ। और माँ जी ने कहा ना, घर के बड़े दामाद है तो मेरा भी तो कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा। और अगर थोड़ा बहुत कोई रिश्ता था भी ना, तो वो सालों पहले खत्म हो चुका है। और अब तुम इस घर की सिर्फ एक नौकरानी हो, और किसी भी नौकर की इतनी हिम्मत और औकात नहीं है कि मेरे दामाद को ऐसे बड़ी महफिल में शगुन दे सबके सामने। इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता, और नाम के रिश्ते के लिए अगर आशीर्वाद नहीं ले सकता तो ये समझ के तो ले सकता हूं कि ये मुझसे बड़ी है। मेरा शगुन माफ करना बेटा, मैं तो बस ऐसे। कोई बात नहीं, दीजिए ना, आप शगुन देंगी तो मुझे भी खुशी होगी। देखा, बस इतनी सी बात थी। थैंक यू। ये 51 रुपए मैं कभी खर्च नहीं करूंगा।